नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस संतरा के गुणों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहेगी और आपके पास में जितना भी बीमारी है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो चलिए, इस कमाल के वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं और आप लोगों को कुछ जानकारी दें कि इससे आपको फ़ायदा मिले। दोस्तों, बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि शुगर की बीमारी सर क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग शुगर की बीमारी से बचना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं संतरा। संतरा बचपन से ही यानी 10 साल की उम्र हो जाए तो खाना शुरू कर देना चाहिए। साल भर में कम से कम 1 केजी 2 केजी जरूर खा लेना चाहिए। 1-2 ले आकर के खाते खाते ऐसे 1 किलो खा लेना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को शुगर की बीमारी होती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप लोगों को शुगर की बीमारी हो गई है तो इस संतरे को क्या करना है, नज़दीक से देख लीजिए। इस संतरे को आधा टुकड़ा रोज खाली पेट खाना है जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, ऐसे 40 दिन करेंगे तो आपकी शुगर की कंट्रोल हो जाएगी और ऐसे रोज खाएंगे तो शुगर कभी होने की संभावना नहीं रहेगी। और चौथा नंबर है कि करेला का सेवन पूरा कीजिएगा। करेला का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपको शुगर कंट्रोल रहेगा हो जाने पर, और जो लोग ज़्यादा करेला का सब्जी बचपन से ही खाते हैं उन लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती है। और साथ में जामुन मिले तो जामुन ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं जामुन उन्हीं लोगों को शुगर की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। अगर अच्छे आदमी ये खाएँ तो कैंसर जैसा दाग धब्बे फोड़ा फुंसी नहीं होने की संभावना बना रहता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और माता दुर्गा जी से हरदम रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें।